इससे पहले हमने थ्योरम 6.3 और 6.4 डिस्कस कर लिया था, और 6.5 आपको कहा था सेम कर लीजिएगा और किसी की प्रॉब्लम्स भी नहीं होना, सबको समझ में आ गया है। देखिएगा हमने यहाँ पे तीन क्राइटेरिया डिस्कस किया था। एक क्राइटेरिया था ए ए ए, यानी दो ट्रायंगल्स अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा क्राइटेरिया था एस एस एस, अगर दो ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरा क्राइटेरिया था एस ए एस, अगर दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपका एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यही गिवन है कि आपके सामने छह पार्ट हैं और छह पार्ट्स में दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, आपको बताना है दे आर सिमिलर आर नॉट। इफ सिमिलर देन विच क्राइटेरिया, अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से है, ये डिस्कशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सिक्स पार्ट की बात करते हैं। वी नो दैट इन ट्राइंगल ऑल एंगल सम आर 180, किसी भी ट्राइंगल्स में सभी एंगल का सम 180 होता है। इसमें देखिएगा एंगल एफ की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 80 प्लस 70 यानी कि 150, यानी एंगल एफ इक्वल टू 30। यहां एंगल पी क्या आएगा, एंगल पी इक्वल टू 80 प्लस 30 110, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 70। फिर आप देखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल डीईएफ, इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, देखिएगा एंगल डी 70 है, यहां पर क्या है एंगल पी 70 है, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल ई इक्वल टू 180 है, एंगल क्यू भी क्या है 80 है, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल एफ 30 है, एंगल आर भी 30 है, यानी एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, क्राइटेरिया क्या यूज होगा, बाय ए ए ए। देखिए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल डीईएफ पीक्यूआर ये 70 है, ये 80 गिवन था, यहां ये 80 और ये 30 गिवन था। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड कर लेंगे एफ 30 आ जाएगा, एंगल पी 70 आ जाएगा। अब देखिए डी 70 पी 70 यानी डी इक्वल टू पी, ई 80 क्यू 80 यानी ई इक्वल टू क्यू, और एफ 30 आर 30 यानी एफ इक्वल टू आर। आपको हमने बताया क्राइटेरिया किसी ट्राइंगल दो ट्राइंगल से अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये था आपका सिक्स पार्ट। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में आप देखेंगे क्राइटेरिया की बात करें अगर हम, ये पहले देखिएगा सिमिलर है कि नहीं है, तो समझिएगा पहले ये था आपका सिक्स पार्ट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या है, देखिए एबी की वैल्यू 2.5 है, एबी अपॉन डीई, एबी 2.5 है और डी 5, ये रेशियो क्या आएगा 1:2, और बीसी अपॉन ई एफ इक्वल टू 3/6 1/2। देखिए दो साइड्स के रेशियो बराबर, उनके बिटवीन एंगल, एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई के बराबर, ये क्या होना चाहिए एंगल बी और ये एंगल ई आपस में बराबर, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ये था आपका फोर्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट आप यहां पे देखेंगे एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2.5/5 1/2 एंड
ml अपॉन qr, ml 5 qr 10 1 अपॉन टू। देखिए mn अपॉन pq इक्वल टू ml अपॉन qr एंड इनके बिटवीन का एंगल एंगल m इक्वल टू एंगल q आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल एन एम एल एन एम एल सिमिलर पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर प्रॉपर्टी कौन सी हुई एस ए एस, दो साइड्स का रेशियो बराबर हुआ और उनके बिटवीन एंगल। ये आपका स्टूडेंट फोर्थ पार्ट था। नाउ वी डिस्कस इन थर्ड पार्ट। देखिएगा एम पी अपॉन डी ई टू अपॉन फोर वन अपॉन टू, क्लियर, और एल पी अपॉन डी एफ थ्री अपॉन सिक्स वन अपॉन टू, और एल एम अपॉन ई एफ 2.7 अपॉन 5 27 अपॉन 50। देयरफॉर एमपी अपॉन डीई इक्वल टू एलपी अपॉन डीएफ बट नॉट इक्वल टू एलएम अपॉन ईएफ। यहां करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट सिमिलर नहीं है और फोर्थ पार्ट आपका सिमिलर है। इसमें देखिएगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स और आपके पास हैं। इन दोनों पार्ट्स को भी देख लीजिए, ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन सिर्फ क्राइटेरिया को कंफर्म आपको समझाने के लिए दिया गया है। देखिएगा एक चीज बता दूं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के पार्ट का रेशियो सेम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहां पर देखिएगा एंगल ए, यहां पर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, क्राइटेरिया ए ए। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पर आप लीजिए ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। तो देखिएगा ए बी अपॉन क्यू आर टू अपॉन फोर वन अपॉन टू एंड बी सी अपॉन आर पी 2.5 अपॉन 5 वन अपॉन टू एंड सी ए अपॉन पी क्यू 3 अपॉन 6 वन अपॉन टू, क्या आएगा 1 अपॉन टू। देयरफॉर ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी क्राइटेरिया एस एस एस, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स सिमिलरिटी के तीनों क्राइटेरिया यूज किया आपने और देखा कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है कौन सा नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर वन के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 देखा होगा, क्या देखा होगा 9, और आपने यहाँ पे 6.3 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है बट वहां पर हमने जो सोल्यूशन किया था थोड़ा सा वहां कंस्ट्रक्शन किया था
और यहां पर यही क्वेश्चन विदाउट कंस्ट्रक्शन करेंगे और यूज करेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको प्रूफ करना। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग्स, ए बी पैरेलल सी डी, गिवन आप लिख लेंगे, सेम गिवन होगा जो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन है नंबर 9 में, गिवन में लिखेंगे डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, फर्स्ट थिंग्स एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये एंगल और ये एंगल्स क्या होंगे इक्वल, रीजन अल्टरनेट, क्या होगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल एंगल ओ बी ए मीन दिस एंगल इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। अगेन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाई ए ए ए, ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग सिमिलरली करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, इसके सामने साइड ओ ए क्लियर, अपॉन इसके साथ ये एंगल इसके इसके सामने साइड ओ सी, इसके सामने साइड ओ बी और इसके सामने साइड आपकी क्या आ जाएगी ओ बी। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए, इसका मतलब ये हुआ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, एंगल ओ डी सी किसके बराबर होना चाहिए ओ बी ए, यानी कि ओडीसी कितना है 70, तो ओबीए क्या आएगा ओ बी ए, ये भी क्या आएगा 70 डिग्री, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, देखिए एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, तो डी ओ सी बी ओ सी क्या है 125 इक्वल टू 180, डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो डी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 55, डी ओ सी 55। फिर आपको बताना है डी सी ओ, डी ओ सी 55 है तो डी सी ओ, देखिए डी सी ओ 180 माइनस 70 प्लस 55, दिस इज 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 55, एंगल डीसीओ 55, आपका डीसीओ आ गया और डीओसी भी आ गया क्लियर। अब बचा ओएबी, देखिए एंगल ओएबी सिमिलरिटी से ओएबी क्लियर, मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा ओसीडी के या डी ओ सी के, तो ओ ए बी क्या होगा आपका ए बी 55 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका डी ओ सी 55, डी सी ओ 55, ओ ए बी 55, ये क्वेश्चन वैसे आप क्लास 9th लेवल में भी कह सकते हैं या सिमिलरिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे जैसे करिएगा, आपसे एंगल्स पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब इस साल आप 2021 का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और यहाँ पर
बीएससी के कंपेरिजन पेपर पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। सबसे पहले आपका पहले 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, अब की बार कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सीधे सीधे 1 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे और पैराग्राफ पे एसेप्शन रीजन के क्वेश्चंस होंगे। पेपर पैटर्न भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे चैनल पे, आप लोग चैनल देखते रहिए। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।